देखिए मैं आज आप सब लोगों को क्या नई नए तरीके से पापड़ बनने की, मैं चावल के पापड़ नए तरीके से बनना बताऊंगी। तो आप सब लोग मेरे ब्लॉग में जरूर रहिएगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले मैं इस पे पानी ऐड कर रही हूँ, पानी डाल रही हूँ, सॉरी। देखिए हमारे 300 ग्राम ये मेरी टूटे हुए चावल हैं। यह है मेरा पानी गर्म हो रहा है और मैं इस पे ये चावल रख रही हूँ। डाल दिया मैंने, अब इस पे मैं इस पे जीरा डाल रही हूँ। मैं इस पे नमक ऐड कर रही हूँ। मैं इस पे और 2 चम्मच के समथिंग मैंने नमक इस पर, मैं 1 चम्मच मैं इसमें अजवाइन से अच्छा फ्लेवर आता है, खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। अब मैं इस पे थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल यूज करूँगी, हल्का सा। आप इसमें मीठा सोडा भी लगा सकते हैं, क्योंकि अच्छे से और अच्छी तरीके से फूलने में आएंगे। तो मैं अब इसमें अब मैंने इसको ढक्कन लगा दिया। अब इसमें 2 सीटी आ जाएगी तो मैं इसको बंद कर दूंगी। देखिए रंग बिरंगे होली में खाने वाले पापड़ आप सब लोगों तक अच्छे आएंगे। तो देखिए गाइस मैंने इसमें मिक्स कर दिया है, तो अब चलते हैं हम ऊपर धूप में इनको। देखिए गाइस बहुत तेज धूप हो रही है। अब मैं चावल की, देखिए इतने अच्छे बहुत क्रिस्पी फूलते हैं ये। आप इनको ऐसे ऐसे करके, बहुत ईजी हैं, इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब चाहे जितने बड़े बड़े आप इनको कर लीजिए ऐसे ऐसे करके। हर तरह की चावल की, मेरी चावल के पापड़ की हर प्रकार की रेसिपी हमारे चैनल पे आपको मिलेगी। हमारे वीडियो में आप सब लोग देखिएगा। मैं इनको ऐसे ऐसे करके देखिए ऐसे ऐसे करके हमारे सारे फाइनल हो गए। आप लोग ऐसे बनाइए, बहुत खाने में टेस्टी लगते हैं। दिख भी नहीं रहे हैं रोशनी की वजह से धूप में। तो गाइस मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं अंदाज़ा बना रही हूँ क्योंकि धूप ज़्यादा है। तो आप अब मेरे ये फाइनल हो गए हैं। देख लीजिए आप लोग, ऐसे बनाने में कोई ज़्यादा नहीं भाई। हमारे वीडियो को ज़रूर देखेगा, हर प्रकार के आपको वीडियो पापड़ के मिलेंगे। तो देखिए धूप है इतनी तेज, प्रभात ये खड़ा हुआ है। अभी मुझे इनके पानी भी डालना है, और अगर ये हमारे पापड़ की अगर अच्छी लगे रेसिपी तो आप लोग वीडियो पे हमारे को प्यार सपोर्ट दीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।